सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मार्क टू मार्केट कॉन्सेप्ट का एक टाइप होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड फ्यूचर्स ऑप्शन स्वैप्स तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर ये मार्क टू मार्केट वाला कॉन्सेप्ट आता है लेट्स डिस्कस इट विथ एन एग्जाम्पल मान लो आप uh, का ये कोई स्टॉक है दिस इज टी सी एस का स्टॉक इज एन अंडरलाइंग असेट तो ये हमारा अंडरलाइन असेट हो गया इसकी स्पॉट मार्केट में प्राइस चल रही है मान लो सौ रुपए और आप इस पर फ्यूचर्स खरीदते हैं तो फ्यूचर्स की प्राइस है एक सौ दस रुपए ठीक है या फिर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम मान के चलते हैं कि ये भी सौ ही रुपए हैं, ताकि समझाने में काफी इजी जाएगा तो दोनों सौ सौ हमने मान लिया अब फ्यूचर्स आप जैसे स्टॉक जब आप खरीदने जाते हो तो एक शेयर खरीद सकते हो सर हमको पांच शेयर चाहिए ले लो दस शेयर चाहिए ले लो पंद्रह शेयर चाहिए ले लो लेकिन फ्यूचर्स में एक लॉट साइज होता है ये लॉट साइज़ के हिसाब से आपको फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट खरीदने पड़ते हैं so, is... सो लेट से द लॉट साइज इज हंड्रेड या आप सेम सेम मतलब सब हंड्रेड हंड्रेड लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी सब बदल देते हैं चलो यह है 100 और यह है 50 ठीक है सो एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 फ्यूचर्स आएंगे एक फ्यूचर की वैल्यू सौ रुपए तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी होगी 50 पचास और दो शून्य शून्य तो पांच हजार रुपए के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो गई अब डिपेंड करता है आप कितने कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो कम से कम पांच हजार और ऐसे के मल्टीपल में ही आपको मिलेंगे मान लो आपने दस कॉन्ट्रैक्ट लिए सो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो हो गई आपकी पचास हजार ठीक है तो सर आ, अगर आ, ये हम टोटल दस कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहते हैं फ्यूचर्स के तो क्या हमको पचास हजार रुपए देने की जरूरत है नहीं इसमें सिर्फ इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट कराते हो आप पोजीशन इतने की आएगी लेकिन डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट या कैश फ्लो मार्जिन जितना ही होगा लेट्स से द इनिशियल मार्जिन पचास परसेंट पचास परसेंट के हिसाब से आपको पच्चीस हजार रुपए जमा कराने पड़ेंगे और आपको पचास हजार की पोजिशन मिल जाएगी अब ये पचास परसेंट इनिशियल इनिशियल मार्जिन कैसे डिसाइड होता है इनिशियल मार्जिन डिसाइड होता है उस पर्टिकुलर स्टॉक की वोलाटिलिटी को देखते हुए अगर स्टॉक के प्राइस में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आता है तो मार्जिन ज्यादा होता है अगर स्टॉक काफी स्टेबल है मतलब कभी कभी उसमें उतार चढ़ाव आता है या उतार चढ़ाव कंटिन्यूसली आता भी है तो बहुत ही डिफरेंस कम होता है लाइक सौ रुपए से 102, 101, 103, 99, 98, 97, बस ये आसपास घूम रहा है सौ रुपए के सो so, वोटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है वोलाटिलिटी का मतलब रिस्क तो अगर रिस्क ज्यादा नहीं है तो मार्जिन भी कम रहेगा रिस्क ज्यादा है तो मार्जिन भी ज्यादा होगा तो हम अभी ये मान के चल रहे कि रिस्क इसमें काफी ज्यादा है इसलिए पचास परसेंट तक का हमने मार्जिन रखा है ओके नाउ वट है पहला दिन ठीक है मैं डे वाइज ले रहा हूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और ये कॉन्ट्रैक्ट है मान लो टर्म है कुछ तीन महीने का थ्री मंथ्स तीन महीने का कॉन्ट्रैक्ट है चलो बढ़िया अच्छी बात है आपने यहां कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया तब आपने आपके मार्जिन अकाउंट में इनिशियल मार्जिन में कितना पैसा जमा है पता है पच्चीस हजार अगले दिन क्या होगा और तब फ्यूचर्स की वैल्यू कितनी थी सौ रुपए अब मान लो फ्यूचर्स की वैल्यू अगले दिन हो जाती है एक सौ दस का आपको प्रॉफिट होगा नुकसान होगा पहले तो ये का प्रॉमिस किया हुआ फ्यूचर का जो रेट है सौ रुपए एक्चुअल में सौ दिया नहीं है दिया तो सिर्फ पच्चीस हजार है ये तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फ्यूचर का तो सौ में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग पोजिशन एक सौ दस हो चुकी है जब आप कोई चीज खरीद लेते हो और प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है तो आपके लिए फायदा होता है जब आप कोई चीज बेच देते हो और प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है तब आपके लिए फायदा है गलत जब आप कोई चीज बेच देते हो और प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है तब नुकसान है कोई चीज बेच दिया और प्राइसेस गिरना शुरू हो गई तब आपके लिए प्रॉफिट है कोई चीज बेच दिया और प्राइसेस गिरना सॉरी कोई चीज खरीद लिया और शुरू हुई तब आपके लिए नुकसान है आइटम खरीदने के बाद प्राइसेस बढ़ी तो प्रॉफिट गिरी तो प्रॉफिट है यहां खरीदने के बाद प्राइसेस बढ़ी कितने परसेंट से प्राइस बढ़ी सौ से एक सौ परसेंट से प्राइस बढ़ी दस परसेंट से तो अब बताओ स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा अब स्टॉक एक्सचेंज आपका जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो मार्केट के हिसाब से एडजस्ट कर देगा मार्क टू मार्केट इसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट कितना मार्क टू मार्केट करना यानी कि अब आपको जो प्रॉफिट हुआ वो आपके इनिशियल मार्जिन में डिपॉजिट हो जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ सर सर दस परसेंट प्रॉफिट हुआ है तो दस परसेंट किस पे लगेगा क्वेश्चन ये उठता है पच्चीस हजार पे नहीं जितनी आपकी पोजीशन है आपकी पोजीशन पचास हजार की है देख लो एक फ्यूचर पे कितने का प्रॉफिट दस रुपये का प्रॉफिट एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने फ्यूचर्स खरीदने पड़ते हैं पचास तो कितने का प्रॉफिट पाँच सौ का प्रॉफिट और आपने टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं दस तो टोटल कितने का प्रॉफिट पाँच हजार का प्रॉफिट पाँच सौ दस इंटू पाँच सॉरी दस इंटू पचास पाँच सौ इंटू दस लॉर्ड साइज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पाँच हजार टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ पाँच हजार नथिंग बट फिफ्टी थाउजेंड का टेन परसेंट फाइव थाउजेंड रुपीज करेगा आपके अकाउंट में जमा करा देगा तो अब आपका इनिशियल मार्जिन जो दिख रहा है थर्टी थाउजेंड दिखेगा आप चाहो तो एक्स्ट्रा पांच हजार आप डिपोजिट वापस बाहर निकाल सकते हो मतलब एक सौ दस तो अभी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी पचपन हजार हो गई है ना कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई अब आपकी पचपन हजार हो गई पचास और दस रुपए से एक सा बढ़ गया पचपन हजार का पचास परसेंट शुड बी द इनिशियल मार्जिन पचपन का पचास परसेंट तो वो आएगा कुछ आई थिंक सत्ताईस हजार पाँच सौ तो ये जो बाकी के ढाई हजार है आप उसमें से निकाल सकते हो अगर चाहो तो चलो ठीक है छोड़ दो अब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़े हम यहाँ प्राइसेस हो गई एक सौ बारह अब बढ़ी है प्राइसेस तो आपको प्रॉफिट हुआ तो आपके मिनिशियल मार्जिन अकाउंट में डिपॉजिट होगा सर कितना सर अब ये ये जो 112 है सर ये 100 से कैलकुलेट करना कि 110 से कैलकुलेट करना ये 110 से कैलकुलेट होगा क्योंकि 100 से 110 का ऑलरेडी सेटलमेंट हो चुका है आपके अकाउंट में 5000 आ चुके हैं 30000 इनिशियल मार्जिन अकाउंट में बैंक अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं अब जो होगा वो इन दोनों के बीच का सेटलमेंट होगा तो कितने रुपए से बढ़ा 2 रुपए से बढ़ा दो रुपए का प्रॉफिट एक फ्यूचर पे पचास पे कितना सौ रुपए और दस मल्टीप्लाई कर दो यानी टोटल कितना हजार रुपए का प्रॉफिट हुआ है अगर आपको इनडायरेक्टली कैलकुलेट करना है तो उसको ऐसे कैलकुलेट करो दो, दो परसेंट एक्स्ट्रा और बड़ा मान लो ठीक है तो ये आपका हो गया हजार रुपए एक्स्ट्रा इसमें ऐड वो कैसे कैलकुलेट हुआ मैं आपको बताता हूं थर्टी वन थाउजेंड अच्छा ये कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कैसे हुआ दो रुपए का प्रॉफिट एक फ्यूचर्स पे टोटल पचास फ्यूचर्स थे एक कॉन्ट्रैक्ट में और टोटल हमारे पास दस कॉन्ट्रैक्ट थे तो पचास इंटू दो सौ सौ इंटू दस हजार रुपए का प्रॉफिट हो गया आपको वो आपके मार्जिन अकाउंट में जमा हो गया नेक्स्ट डे अब क्या होता है पता है हर दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट पुराने रेट से सेटल से होता जा रहा है पुराना रेट खत्म हो गया नए रेट से आगे बढ़ता है 110 से आगे बढ़ता है अब मान लो यहां पे आपकी प्राइसेस गिर के आ गई 108। कितने का नुकसान हुआ चार रुपए का नुकसान हुआ चार इंटू पचास एक फ्यूचर पे तो आपके अकाउंट से दो हजार रुपए निकाल लिए जाएंगे क्योंकि आपको नुकसान हुआ प्राइसेस गिरी है तो इकतीस में से दो हजार अगर मैं निकालू तो ट्वेंटी नाइन थाउजेंड चलो अब आखिरी डेट ले लेते हैं ठीक है <coughs> या उसके पहले एक और ले लेते हैं अब मैं नई चीज आपको इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं इसमें मान लो आपका मेंटेनेंस मार्जिन था। मेंटेनेंस मार्जिन इज ट्वेंटी फाइव परसेंट मेंटेनेंस मार्जिन इस 25 का मतलब क्या होता है वैल्यू का 25 इसमें जमा रखना मार्जिन में होना चाहिए इनिशियल का दिया है तो पच्चीस हजार अदरवाइज नॉर्मली आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे लगाओ पचास हजार तो पचास हजार पे पच्चीस परसेंट बोलोगे तो साढ़े बारह हजार रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए एट ऑल पॉइंट सो दिस गोज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव अब देखो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ अगर प्राइसेस गिर के आ, हो गई नाइन्टी तो पांच हजार का नुकसान कैलकुलेशन कर लेता हूं मैं आपको फिर थोड़े से लेते हैं उसके हिसाब से ताकि सही आए आएस इंटू पचास इंटू दस दस हजार सत्तर पचास इंटू दस पंद्रह हजार चलो मैं ड्रास्टिक चेंज लेता हूँ कि मान लो कुछ कंपनी की बहुत ही खराब रिजल्ट्स आए तो प्राइसेस गिर के सीधा पहुंच गई पचास पे पचास भी मतलब फोर्टी फाइव पे तो अब नुकसान देखो कितना होगा एक सौ आठ में से पैतालीस गए सिक्सटी थ्री रुपीज का नुकसान एक फ्यूचर्स पे ठीक है देखो थ्री इंटू पचास फ्यूचर इंटू टेन कितना होता है ध्यान दो यह है टोटल अरे बहुत ज्यादा हो गया है तो 63 नहीं लेते पचास हजार तो ऐसे ही आ जाएंगे हाँ <laughs> हाँ इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ मैं मान लो उसको ले लेते अपन एट्टी लिया तो कितना तो होगा सेवेंटी ले लो ठीक है तो एक सौ आठ से सत्तर का गैप हो गया आपके थर्टी एट रुपीज का तो मैं यहाँ थर्टी एट लेता हूं सो थर्टी एट इंटू पचास इंटू दस अगर आप करोगे ना तो ये नाइनटीन थाउजेंड रुपीज आपके अकाउंट में नुकसान दिखाएगा ट्वेंटी नाइन से नाइनटीन थाउजेंड अगर आप माइनस कर दोगे तो बचेगा सिर्फ दस हजार क्योंकि अब आपके मार्जिन अकाउंट का बैलेंस साढ़े बारह से नीचे आ गया तो क्या होगा पता है आपको एक कॉल आएगा उसको बोलते हैं कॉल मनी किसी भी पॉइंट पे आपका मार्जिन अकाउंट साढ़े बारह हजार के नीचे नहीं जाना चाहिए इसको बोलते हैं मेंटेनेंस मार्जिन तो ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड आपको कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रखना है ट्वेल्व थाउजेंड के फाइव हंड्रेड के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है आप चलने दो लेकिन जैसे ही उसके नीचे आया तब आपको एक कॉल आएगा कि आप और पैसा जमा कराओ कौन आपका ब्रोकर आपको कॉल करेगा जैसे मैं ब्रोकर हूँ तो मैं आपको कॉल करूंगा साहब साहब आपका अकाउंट दस हज़ार आ चुका है साढ़े बारह हज़ार मेंटेनेंस मार्जिन है तो और पैसा जमा कराओ आप पूछोगे कितना पैसा जमा कराना तो आपको उतना पैसा जमा कराना पड़ता है ताकि वापस आपके मार्जिन अकाउंट का बैलेंस इनिशियल मार्जिन के लेवल पे आ जाए यानी कि पच्चीस हजार रुपए तो देखो क्या होगा नाइनटीन थाउजेंड अगर मैं कम कर दू ट्वेंटी में से नाइनटीन किया कम मैंने किया तो कितना आएगा दस हजार रुपए आपका बैलेंस कितना होना चाहिए पच्चीस हजार रुपए तो आपको और कितना जमा कराना पड़ेगा दस पच्चीस पंद्रह हजार रुपए सो आप क्या कराओगे ये कॉल मनी आएगा आपके पंद्रह हजार का कॉल आएगा सो तो आपका जो बैलेंस बचा है वो है दस हजार रुपए दस और पंद्रह ये अगेन पच्चीस हजार रुपये हो जाएगा और अब कहानी वापस आगे बढ़ेगी मैच्योरिटी तक चलता जाएगा और आपको कहीं पर सेटलमेंट करना है तो सेटल कर दो अगर आपने ये पंद्रह हजार का पेमेंट नहीं किया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाता है वही पॉइंट पे दस हजार रुपए ले जाओ सब प्रॉफिट लॉस सेटल हो गया अब मान लो नेक्स्ट डे प्राइसेस बढ़ जाती है नाइन्टी पे तो कितने का प्रॉफिट हुआ बीस रुपए का प्रॉफिट हुआ देखो बीस इंटू पचास इंटू अगर आप करोगे तो ये कितना था बीस इंटू आपका थाउजेंड या टेन का आपको प्रॉफिट दिखेगा सो टेन थाउजेंड का प्रॉफिट आपके अकाउंट में वापस एड हो जाएगा दैट इज कॉल्ड मान लो आप यहां पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट आप यहां पे खत्म कर देते हैं अब क्या हुआ सौ में खरीदने का प्रॉमिस किया था 90 प्राइस हो चुकी है तो लॉजिकली स्पीकिंग सिर्फ दस रुपए का नुकसान होना चाहिए एक फ्यूचर्स पे तो टोटल तो नुकसान कितना होना चाहिए दस इंटू पचास पांच हजार दस इंटू पचास पांच सौ इंटू दस नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पांच सौ इंटू दस पांच हजार का नुकसान होना चाहिए इन टोटल आई बात समझ में सिर्फ पांच हजार का नुकसान होना चाहिए इन टोटल यहां अगर आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दोगे ये कैश आउटफ्लो ये कैश आउट फ्लो आपका दो कैश आउट फ्लो हुए थे पच्चीस हजार का स्टार्टिंग में गया और पंद्रह हजार आपसे और लिया गया था यहां अगर आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दोगे तो आपको पैंतीस हजार रुपए वापस मिल जाएंगे मिल गए वापस डिपॉजिट था ना ये तो, तो देखो क्या हुआ पच्चीस और पंद्रह कितने दिया आपने चालीस हजार रुपए दिए वापस कितना आया हजार आया नुकसान कितने का हुआ हजार का ये वही नुकसान है ये नुकसान अगर इनडायरेक्टली हम कैलकुलेट करें तो वो ऐसा आएगा 100 में खरीदा था 90 में बेचा तो मेरा 10 का नुकसान होना बनता है 50 फ्यूचर्स पे तो एक कॉन्ट्रैक्ट में 500 का नुकसान होना बनता है तो 10 कॉन्ट्रैक्ट पे मेरा 5000 का नुकसान होगा ये वही नुकसान है बट अलग तरीके से कैलकुलेट होता है ये सौ से नब्बे में डिफरेंस निकाल के कैलकुलेट नहीं होता है ये पुरानी प्राइस से डिफरेंस निकालने में कैलकुलेट होता है अब देखो मार्क टू मार्केट का मतलब क्या हुआ मैंने अभी तक जो आपको पूरा एग्जाम्पल समझाया इसमें हम जो रोज करते आ रहे हैं ना रोज क्या कर रहे हैं पता है आपका फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट रोज पुराने जो रेट है उस पर खत्म हो जाता है नए रेट पे शुरू होके अगले दिन बढ़ता है तो हम कभी भी डिफरेंस ना इन दो पॉइंट के बीच में निकालते हैं इन दो पॉइंट के बीच में निकालते हैं क्योंकि नया रेट 112 होता है और ये 108 होता है तो 112 पे अब खत्म हो जाएगा 108 पे शुरू होगा और आगे बढ़ेगा जो डेली आपके अकाउंट में ये बैलेंसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहे हैं इसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट करना आपका कॉन्ट्रैक्ट हमेशा मार्केट के रेट पे एडजस्ट कर दिया जाता है मार्केट के हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट रोज एडजस्ट हो रहा है दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज मार्क टू मार्केट मार्किंग टू मार्केट नाम में ही लिखा हुआ है मार्क mark करना मार्केट के हिसाब से क्यों किया जाता है ये डिफॉल्ट ना करे सामने वाली पार्टी इसलिए स्टॉक एक्सचेंज डेली बेसिस पे या कंटिन्यूस बेसिस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट सेटल करती रहती है मार्क टू मार्केट करती रहती है

एवरी टाइम यू तो कहीं पर भी, भी देख लो बारह पांच सौ के नीचे नहीं है सिर्फ ये वाले पॉइंट पे जहां पे पच्चीस हजार दिख रहा है आपको बारह पांच सौ के नीचे जा रहा था वहां आपको तुरंत कॉल आ गया और आपने और पैसा जमा करा दिया याद रखना पैसा उतना जमा कराना है कि वापस इनिशियल मार्जिन के लेवल पे आए ना कि सिर्फ उतना ही जो साढ़े बारह हजार तक आए दस से साढ़े बारह नहीं करना दस से वापस पच्चीस हजार करना है हमने So, this entire process is called as mark to market. You got the concept of initial margin, you got the concept of maintenance margin also. Just note it down and then we'll meet in the next lecture. Bye bye.